क्या आप मोटापे का शिकार हैं? क्या आप अपना वेट कम करना चाहते हो? क्या आपने सारे तरीके अपना लिए फिर भी आपका वेट नहीं कम हो पा रहा? तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिसके हेल्प से आपका वेट आसानी से कम हो सकता है, वह भी कुछ ही दिनों में। पहले ये समझते हैं कि हमारा वेट इंक्रीज होता क्यों है, वह कौन से फैक्टर हैं जिस कारण से हमारा वेट इंक्रीज होता है। वेट इंक्रीज होने का सबसे बड़ा और मेन कारण है ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज का लेना, यानी कि जितनी कैलोरीज आपके बॉडी को चाहिए आप उससे कई गुना ज़्यादा लेते हो, और जिस कारण से आपके बॉडी में बहुत सी कैलोरी बच जाती है जो कि यूज़ नहीं हो पाती है, और वही कैलोरी आपके वेट इंक्रीज करने में मदद करते हैं। यदि आपको पता करना है आप ओवरवेट हो या नहीं, तो इसको पता करने का सबसे आसान तरीका है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इस प्रणाली की मदद से किसी भी व्यक्ति के बारे में ये पता लगाया जा सकता है कि वो कौन सी श्रेणी में आता है, वह अंडरवेट में आता है, ओवरवेट में आता है या नॉर्मल है। इसे आप अपने घर बैठे आराम से पता कर सकते हो, और इसको पता करने का फॉर्मूला है आपका वेट इन kg, उसको डिवाइड कर दीजिए आपकी हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका जो भी वेट है उसे kg में नाप लीजिए और आपका जो भी हाइट है उसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। अपने वेट को अपने हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये BMI आ जाएगा। यदि आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट की श्रेणी में आते हो, अतः आपको वेट इंक्रीज करने की अति आवश्यकता है, नहीं तो आपको कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपका BMI 18.5 से लेके 25 के बीच में आता है तो आप एक नॉर्मल इंसान हो, अतः आपको वेट इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपका BMI 25 से लेके 30 के बीच में आता है तो आप ओवरवेट का शिकार हो, यानी कि आपका वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही है, तो आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपना वेट कम करें। लेकिन यदि आपका BMI 30 से ऊपर है तो आप ओबेस का शिकार हो, यानी कि ओबेसिटी मोटापे का, और यह आपके लिए अति आवश्यक है कि जल्द से जल्द आप अपना वेट कम करें, नहीं तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब तक आपने इस वीडियो में जाना वे कौन से व्यक्ति ओवरवेट में आते हैं और किन लोगों को अपना वेट कम करने की ज़रूरत है। अब इस वीडियो में आप जानोगे कि आप अपना वेट कैसे कम कर सकते हो। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाएं और कुछ एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में कैलोरीज का बर्न होता है और वह आपकी चर्बी को धीरे धीरे कम कर देता है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे रनिंग करना ना भूलें। रनिंग करने से आपका मोटापा काफ़ी जल्दी कम हो जाएगा, और कुछ बेसिक एक्सरसाइज करें जो आपको हेल्दी और फिट रखेंगे। दूसरा और इम्पोर्टेंट टिप्स, एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनाएं, क्योंकि ब्रेकफास्ट आपके बॉडी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ब्रेकफास्ट आप सबसे पहले खाते हो, तो आपके बॉडी के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस टाइप के ब्रेकफास्ट लेते हो। ब्रेकफास्ट में जूस और फ्रूट लेना ना भूलें, क्योंकि फ्रूट खाने से आपके बॉडी में कुछ ज़्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपका बॉडी नेचुरल चीज़ें काफ़ी जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है और वह जल्दी एनर्जी बना देता है। यदि आप फ्रूट खाओगे तो आपको भूख नहीं लगेगी, और जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप ज़्यादा खाना नहीं खाओगे, तो आपके वेट पे कंट्रोल रहेगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट टिप्स, यदि आप ओवरवेट हो तो फास्ट फूड का सेवन ना करें, या तो कम से कम फास्ट फूड का सेवन करें, क्योंकि फास्ट फूड से आपका वेट काफ़ी जल्दी और काफ़ी इजीली बढ़ जाता है, और आपके सेहत के लिए ये फ़ायदेमंद भी नहीं है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, जो कि आपका वेट कुछ ही दिनों में कम कर देगी, सुबह सुबह उठते ही खाली पेट एक गिलास नींबू पानी का सेवन करें। नींबू पानी पीने से आपके पेट की चर्बी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है और यह आपके बॉडी में से फैट कम कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप ये सारे टिप्स फॉलो कीजिए, आपका वेट आसानी से कम हो जाएगा। दोस्तों, आपका वेट कितना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और नीचे लाल वाला बटन सब्सक्राइब का दबाना ना भूलें, साथ में उसके बेल आइकन को भी दबा दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।